We will continue with chapter number 12 only, right? Standard costing. Continue with chapter number 12, standard costing. Right, dear friends? Now, just you refer some different type, right? Question number 44, page number 12.107. Question number 44, page number 12.107. स्टेप्स अपने वही रहेंगे. स्टेप नंबर वन, कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन. स्टेप नंबर टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल. स्टेप नंबर थ्री, रिकंसिलेशन. स्टेप नंबर फोर, एनालिसिस ऑफ. थोड़े थोड़े एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहेंगे, वो अपन देख लेते हैं. जस्ट रिफर 44, पेज नंबर 12.107. 44, पेज नंबर 12.107. देखो जरा, आप इस तरह से पढ़िए जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे, राइट? एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आप क्या क्या देखोगे, क्या देखोगे? इसके लिए नॉर्मली मैं रीड करके नहीं सुनाता आपको क्वेश्चन, ना. आप ऐसे रीड करिए खुद से कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, राइट? बजट आपको दे रखा है, राइट? एक्चुअल आपको दे रखा है. कंप्यूट द फॉलोइंग वेरियंसेस फॉर द क्वार्टर. ग्रॉस मार्जिन सेल्स, ठीक है, वो मार्जिन वेरियंस हो गया. दो नए वेरियंसेज हैं आपको, मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर, ठीक है. सेल्स प्राइस वेरियंस, मार्जिन प्राइस वेरियंस हमेशा सेम रहता है. डायरेक्ट मटेरियल यूसेज इन प्राइस वेरियंस, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी एंड रेट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी एक्सपेंस वेरियंस, प्रिपेयर एन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन विद एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन. तो स्टेप नंबर वन क्या रहेगा? कॉस्ट शीट. स्टेप नंबर टू, P&L अकाउंट बनाओ जरा ना. तो आपका प्रॉपर गो वेरी सिस्टमेटिक, राइट? स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड प्रोडक्शन. क्या बजटेड प्रोडक्शन है फ्रेंड्स अपने पास? 6000 यूनिट्स. वेरी गुड, राइट? टोटल पर यूनिट, बराबर. इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है और उन्होंने कंट्रीब्यूशन अप्रोच से पूछा है अपने से, राइट? फर्स्ट यू टेक सेल्स, ऑल फिगर्स आर इन थाउजेंड. लेस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड.
240, 360, 600. कॉन्ट्रीब्यूशन ₹250 पर यूनिट, फोर्टी सिक्सटी हंड्रेड, 250 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 100 इज 50, थ्री हंड्रेड. स्टेप नंबर टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाय सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन? 6,400 यूनिट्स. टू मटेरियल, टू लेबर, टू वेरिएबल ओवरहेड एंड टू कंट्रीब्यूशन. 270, 416, 648. वन सिक्स नाइन सिक्स, 270, 416, 362. Say yes or no, friends. Answer number two. And our step number three, statement showing reconciliation. Profit or contribution as per cost sheet is 300. ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर टू, राइट है. देन आंसर नंबर वन, एनालिसिस ऑफ वेरियंस. फर्स्ट मटेरियल वेरियंस based on actual production. What is your actual production? 6,400 units. Standard actual, right friends? kg रेट अमाउंट, के जी रेट अमाउंट, लेबर वेरियंस आर्स, रेट अमाउंट आर्स, रेट
अमाउंट, वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस, आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट, सेल्स मार्जिन वेरियंस, यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट्स रेट अमाउंट। फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल रेट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट वेरियंस। सेल्स मार्जिन वेरियंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस, राइट है। एंड एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। कैसा भी क्वेश्चन रहने दो, फॉर्मेट अपना क्या रहेगा, सेम। बराबर है, अभी देखो, चले आगे फ्रेंड्स। एक्चुअल सेल्स आपको दे रखा है 1696,000, बराबर डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स है, 6,400। दिस ऑल फिगर्स आर इन थाउजेंड, राइट, 2,00,265 पर यूनिट लेस। व्हाट योर बजटेड कॉस्ट 200, what your budgeted cost 200, so your actual profit per unit will be 65, ठीक है, 65 is the actual profit per unit, unit sold हुई है 6400, it means 6400 into 65 is
4,16,000 सही आंसर नो प्राइस. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 2,70,000. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 4,16,000. वेरिएबल ओवरहेड 6,48,000. सही आंसर नो फ्रेंड्स. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 2,70,000. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 4,16,000 एंड वेरिएबल ओवरहेड 6,48,000. राइट. नाउ व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस पर केजी? 7.5. तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगा. बोलो यस और नो. डायरेक्ट मटेरियल दे रखा ना एक्चुअल 7.5. सो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 7.5 इज 36,000 केजी. राइट. व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? 6.4. 6.4 इसका मतलब 4,16,000 डिवाइडेड बाय 6.4 65,000 आवर्स दोनों में सेम रहेंगे. 6.48 डिवाइडेड बाय 65,000 आवर्स इज 9.97. सही है सुनो फ्रेंड्स. यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है. अब देखो मटेरियल कॉस्ट आप देख लो. मटेरियल कॉस्ट 2,40,000 व्हेन द यूनिट्स इज 6,000. तो 6,400 के लिए मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. राइट. 2,40,000 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 6,400 2,56,000. एंड व्हाट इज द रेट पर के जी? 8 डिवाइडेड बाई 8 32,000. राइट. देन 3,60,000 इज ए लेबर कॉस्ट फॉर 6,000. तो 6,400 के लिए 360 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6,400 3,84,000. वॉट इज द रेट पर आर? इज 6 डिवाइडेड बाई 6 इज 64,000 आवर्स. ये आर्स दोनों के क्या रहेंगे? सेम 64. एंड वेरिएबल ओवरहेड 6,00,000 व्हेन द यूनिट्स आर 6,000. इफ द यूनिट्स आर 6,400 6,00,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इनटू 6,40,000 डिवाइडेड बाय 64 इज 10. राइट. है सेल्स मार्जिन यूनिट्स 50 रुपीज पर यूनिट. नंबर ऑफ यूनिट्स 6,000 एंड दिस कम्स टू 3,00,000. टेल मी फ्रेंड्स एनी प्रॉब्लम? कोई पॉइंट आपको नहीं आ रहा तो प्लीज पूछिए. राइट. समझे या नहीं समझे? राइट. कुछ पूछ रहे हैं यहाँ तक? बोलो. परफेक्टली क्लियर है? सही है सुनो फ्रेंड्स. राइट. बराबर है. अब देखो आप करें कैलकुलेट मटेरियल वेरियंस. फ्रेंड्स देखो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस 256 माइनस 2,70,000. 256 लेस 270 इज 14,000 एडवर्स. मटेरियल यूसेज 36 into 8 is
32,000 एडवर्स रेट 8 माइनस 7.5 इंटू 36,000 इज 18,000 फेवरेबल 32,000 एडवर्स मिलके क्या हो जाएगा बोलो 14,000 एडवर्स लेबर कॉस्ट 384 माइनस 416 384 लेस 416 इज 32,000 एडवर्स 64 लेस 65 इंटू 6 6,000 एडवर्स 6 लेस 6.4 इंटू 65,000 65 इंटू 0.4 26,000 एडवर्स सही है सुनो फ्रेंड्स वेरिएबल ओवरहेड 640 एक्चुअल 8,000 एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी 64 65 इंटू 10 10,000 एडवर्स 10 9.97 इंटू 65 2,000 फेवरेबल 2 प्लस 10 8,000 बोलो यस और नो फ्रेंड्स राइट क्लियर हो रहा है सही यस और नो फ्रेंड्स राइट बोलो सेल्स मार्जिन वेरियंस इट मींस कितना मार्जिन था 3 लाख कितना मार्जिन आ रहा है 4 लाख 16 300 लेस 416 इज 1,16,000 फेवरेबल सेल्स मार्जिन वॉल्यूम 6 लेस 6,400 इंटू 50 400 इंटू 50 इज 20,000 फेवरेबल रेट 50 लेस 65 इंटू 6,400 15 इंटू 6,400 96,000 फेवरेबल ठीक है कैन यू प्रिपेयर रिकंसिलेशन नाउ बोलो ड्यू टू मेटेरियल यूसेज वेरियंस 32,000 एडवर्स राइट ये प्रॉफिट आपका था 3 लैक्स का राइट ड्यू टू मेटेरियल रेट वेरियंस 18,000 फेवरेबल जो फेवरेबल है वो ऐड होगा जो एडवर्स है वो माइनस होगा राइट ड्यू टू लेबर एफिशिएंसी ड्यू टू लेबर एफिशिएंसी 6,000 एडवर्स ड्यू टू लेबर रेट 26,000 एडवर्स ड्यू टू वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी 10,000 एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस और
रेट इज 2000 फेवरेबल, सेल्स वॉल्यूम मार्जिन वेरियंस, सेल्स वॉल्यूम मार्जिन वेरियंस 20 फेवरेबल, सेल्स वॉल्यूम प्राइस इज 96,000 फेवरेबल, प्रॉफिट एच पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,60,000। चेक किया आपने, सेम आ रहा है फ्रेंड्स, राइट है। आपको क्या क्या चाहिए, कंप्यूट द फॉलोइंग, ग्रॉस मार्जिन सेल्स, राइट, मार्केट साइज, मार्केट शेयर में बताता हूँ, ग्रॉस मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस आपका आ गया, देन सेल्स प्राइस वेरियंस आपका आ गया, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज आ गया, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस आ गया, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी, डायरेक्ट लेबर रेट आ गया, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एंड रिकंसलेशन। नाउ कम टू द पॉइंट, मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर, वो एक नया है आपके लिए, वो आप जरा देख लीजिए, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो। ओके, ऑल राइट, अब आ जाइए आप ना फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है अपने को, आंसर वन ए का वन पार्ट, एंड दिस इज योर मार्केट साइज वेरियंस। एक बार समझ लो, बाद में कॉपी कर लेना, राइट, मार्केट साइज वेरियंस, ठीक है। देखो मैंने क्या एस्टिमेट किया था कि मेरी कितनी यूनिट्स बिकेंगी, 6000, विच इज 12% ऑफ द मार्केट, है ना। तो मैंने सोचा कि 12% स्टूडेंट मुझे मिलेंगे, सीए फाइनल के 12% स्टूडेंट मिलेंगे, और वो 12% क्या है, 6000। इसका मतलब व्हाट इज योर बजटेड मार्केट साइज, 6000, 12% इंटू 100, एंड दिस कम्स टू 50,000। आपका बजटेड मार्केट साइज क्या रहा होगा, 50,000। व्हाट इज योर एक्चुअल मार्केट साइज, बोलो, एक्चुअल मार्केट साइज है आपका, बोलो फ्रेंड्स, 60,000। इसका मतलब आपका मार्केट साइज है, इसका मतलब आपका जो मार्केट साइज है वो कितने से बढ़ गया, 10,000। तो मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा परसेंटेज कितने से बढ़ना चाहिए, 12% से, और एक पे मुझे बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, 50। इसका मतलब 50 की जगह क्या हो गया, 60, 10,000 से बढ़ा, 10 का 12%, 1200 इंटू 50, एंड दिस कम्स टू 60,000 फेवरेबल। हाँ, तो क्वार्टरली ले रहे ना अपन, उस पर्टिकुलर क्वार्टर का क्या एस्टिमेट किया था तूने, हाँ, और विच इज 12%, इसका मतलब पूरे मार्केट में कितना रहा होगा यूनिट्स, पूरे मार्केट में कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे, 50,000, एक्चुअल में कितने आ रहे हैं, 60, कितने से बढ़ गया, 10,000, तो अपना शेयर कितने से बढ़ना चाहिए, 12%, तो 1200, एक पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 50, तो कितना, 60, तो क्या ऐसा हुआ है, इसका मतलब मार्केट शेयर वेरियंस, मार्केट शेयर वेरियंस, देखो बजटेड शेयर,
बजटेड शेयर इन एक्चुअल साइज माइनस एक्चुअल शेयर इन एक्चुअल साइज इनटू बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्केट का एक्चुअल साइज क्या है? 60। तो 60 में से मुझे कितना मिलना चाहिए? 12%, इट मींस 7200। लेकिन उसके सामने मिल कितना रहा है? कितने का लॉस हो गया? 800। एंड बजटेड कंट्रीब्यूशन 50। तो कितने का लॉस हो गया? 40,000 एडवर्स। 60 का फेवरेबल, 40 का एडवर्स। तो देखो आपका सेल्स मार्जिन वॉल्यूम क्या आ रहा होगा? 20,000 फेवरेबल। देखो जरा सेल्स मार्जिन वॉल्यूम क्या है आपका। तो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम के दो कारण हो सकते हैं, एक तो साइज की वजह से और दूसरा हमारे शेयर की वजह से। मतलब 60 में मुझे कितना मिलना चाहिए? 7200। और 60 में मिल कितना रहा है? 6400। तो मुझे कितने का लॉस हो गया? 40,000 का। समझे या नहीं? ये 12% मैंने सोचा था, 12% 6000, तो व्हाट इज 100%? 50 की जगह कितना हो गया? 60 इंटू 12 इंटू 50, 60,000। अच्छा, यस। तो मार्केट साइज और मार्केट साइज हमेशा, मार्केट शेयर हमेशा आपका क्या रहेगा? वॉल्यूम के साथ टैली, राइट? बोलो या सुनो फ्रेंड्स, राइट है? बोलो या सुनो फ्रेंड्स, राइट? समझ में आ रहा है? अब आपको मैं एक इलस्ट्रेशन आपके जो जैन 19 ने में जो मॉड्यूल इशू किया है इंस्टीट्यूट ने, वो जरा आप मेरे को ऑडिट करके बताओ। मैंने सॉल्व किया है, आप चेक करके बताओ आपको समझ रहा है कि नहीं। इलस्ट्रेशन पेज नंबर 12.15, इलस्ट्रेशन पेज नंबर 12.15। उसके मिला फ्रेंड्स? देखो जरा पूरा मुझे चेक करके बताओ बराबर सॉल्व किया नहीं। इलस्ट्रेशन पेज नंबर 12.15, ओएमसी उसका मैन्युफैक्चरिंग मिला फ्रेंड्स? देखो जरा,
सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे, राइट, ए टू जेड। बोलो प्रॉपर है। अब देखो आपको पूरा कंसेप्ट आपका रिवाइज करवाता हूँ ना, आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 42 पेज नंबर 12.105, क्वेश्चन नंबर 42 पेज नंबर 12.105, देखो क्या बोल रहा है, जरा ना रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। ग्लोबल लिमिटेड, ग्लोबल लिमिटेड मिला फ्रेंड्स, रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, राइट। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टारगेट फिक्स्ड, इसका मतलब आपसे क्या चाहिए, बजटेड सेल्स, है ना। अब कैसे अपन बजटेड सेल्स निकाल सकते हैं, अब आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम आता है ग्राफिकल, राइट। देखो कैसे निकालेंगे अपन, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग बजटेड सेल्स, राइट है, बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स हमेशा आपका क्या रहेगा, वेरियंस। बजटेड सेल्स में से अगर एक्चुअल सेल्स माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेरियंस, राइट। अब एक्चुअल सेल्स हमें मिल सकता है बिकॉज रिफर नोट नंबर 1, है ना, ए बी सी डी, ठीक है ठीक है, ये वेरियंस आ जाएंगे। एंड वेरियंस के दो पार्ट, सेल्स वॉल्यूम वेरियंस एंड सेल्स प्राइस वेरियंस, बोलो ए बी सी डी, ए बी सी डी, राइट है। ए सेल्स का प्राइस वेरियंस क्या है, 4000 फेवरेबल, एक बार समझ लो बाद में कॉपी करना, 6000 एडवर्स, 5000 एडवर्स एंड 2000 एडवर्स, है ना। सेल्स का वॉल्यूम क्या दे रखा है अपने को, 6000 बोलो एडवर्स, 20 6000 फेवरेबल,
15,000 फेवरेबल एंड 8,000 फेवरेबल, राइट है। अब देखो ये 6 एडवर्स, ये 4 फेवरेबल, तो मिलके क्या हो जाएगा 2,000 एडवर्स। अरे बोलो 26, 60, 20,000 फेवरेबल, 15, 5, 10,000 फेवरेबल, 8, 2, 6,000 फेवरेबल। इतना कॉपी कर सकते हो आप, बनाओ जरा फॉर्मेट ना, इतना फॉर्मेट बना लो, बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेल्स वॉल्यूम, सेल्स प्राइस इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, टोटल वेरियंस। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, राइट फ्रेंड्स। बराबर। अब अपन ले लेते हैं नोट नंबर वन। नोट नंबर वन मींस एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स कैसे मिलेगा अपने को, कमीशन डिवाइडेड बाय 5%, कमीशन डिवाइडेड बाय 5%, ए बी सी डी। कमीशन डिवाइडेड बाय 5%, एक्चुअल कमीशन कितना दिया है आपने बोलो, 29,900, 23,500, 24,500 एंड 25,800 विच इज 5%, बराबर। सो 29,900, 5,98,000, 23,500, 4,70,000, 4,90,000, 5,16,000,
ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? गो वेरी सिस्टमेटिक राइट। इट मीन्स योर एक्चुअल सेल्स इज 5,98,000, 4,70,000, 4,90,000 एंड 5,16,000। है ना, 598 इज योर एक्चुअल सेल्स, 2,000 इज ए वेरियंस। इसका मतलब बजटेड सेल्स कितना हो रहा, 6,00,000, तभी तो 2,00,000 का लॉस आएगा ना। बोलो यस नो फ्रेंड्स? 20,000 इट मींस क्या रहा होगा? 4,50,000, 4,90,000 इट मींस क्या रहा होगा? 4,80,000, देन 5,16,000 इट मींस क्या रहा होगा? 5,10,000। इतना आप कर लो जरा ना, ये क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो, करो करो कॉपी। बोलो यार, सुनो फ्रेंड्स, राइट है? अब क्या पूछ रहा है अपने से? एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन राइट। इट मीन्स बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू वेरियंस। बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू वेरियंस, ए बी सी डी। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड इन टू सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस, ए बी सी डी, ए बी सी डी राइट। सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन रेट वेरियंस, सॉरी मिक्स वेरियंस, सेल्स मार्जिन मिक्स वेरियंस। इतना आप कॉपी कर लीजिए पहले ना। बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन
राइट, तो आपको क्या मिलेंगे वेरियंसेस? वेरियंसेस डिवाइड इन टू सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन प्राइस, सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम एंड सेल्स मार्जिन मिक्स। सुनो फ्रेंड्स, राइट है। अब देखो अपने पास क्या क्या है। सेल्स का प्राइस, मार्जिन का प्राइस हमेशा क्या रहता है? सेम। इट मींस सेल्स का प्राइस, मार्जिन का प्राइस सेम रहता है। इट मींस 4000 फेवरेबल, देन 6000 एडवर्स, देन 5000 एडवर्स, देन 2000 एडवर्स, इनका टोटल भी ले लो आप ना, 9000 एडवर्स, ठीक है। फिर सेल्स मार्जिन आपको मिक्स भी दे रखा है, 14000 एडवर्स, 8000 फेवरेबल ए बी सी डी, ठीक है, देन 17000 फेवरेबल एंड 3000 एडवर्स, राइट है। इट मींस 8000 फेवरेबल, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? राइट, अच्छा। अब देखो आपको बजटेड प्रॉफिट कैसे मिल सकता है? आपके पास बजटेड सेल्स है और आपके पास बजटेड कॉस्ट भी है। देखो कॉस्ट दे रखा है ना, बजटेड सेल्स में से आप बनाओ नोट नंबर टू, अगर आप बनाते हो यहां पे नोट नंबर टू बना लो, बजटेड सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट इक्वल टू बजटेड प्रॉफिट, बजटेड सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट इक्वल टू बजटेड प्रॉफिट। बजटेड सेल्स हमारा क्या है? 6 लैक्स, 4 लैक 50, 4 लैक 80, 5 लैक 10 एंड बजटेड कॉस्ट आपको क्या दे रखा है? 5375, 5375, 4 लैक्स, 4 लैक 25, कितना हो जाएगा? 1 लैक। कितना हो जाएगा? 75,000। कितना हो जाएगा? 80,000। कितना हो जाएगा? 85। 1 lakh इज अ बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन, 75,000 इज अ बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन, 80,000 इज अ बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 85 इज ए बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन।
1,75,80 and 85. सही है सुनो फ्रेंड्स, अब आपका आता है एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स? बोलो, अब इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट? एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब दिस इज योर नोट नंबर टू, तो ये आपका हो जाएगा नोट नंबर थ्री, ठीक है? नोट नंबर टू, दिस इज एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? इट मीन्स एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स इक्वल टू एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। ए बी सी डी, एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स, व्हाट इज द एक्चुअल सेल्स क्या निकाला था अपन ने? 5,98,4,70,4,90,5,16, राइट? माइनस बजटेड कॉस्ट, इतना कॉपी कर लो फिर मैं आगे बताता हूँ। समझ में आ रहा है? नो कन्फ्यूजन। अब बजटेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो बता सकते हो आप? हाउ टू फाइंड आउट द बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स, हाउ टू फाइंड आउट द बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स, हाउ टू फाइंड आउट द बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स।
हाउ टू फाइंड आउट बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल सेल्स. देखो, सपोज मैं आपको बोलता हूँ ये मेरा पेन है, समझो जरा कंसेप्ट को समझो, ये मेरा पेन है, ये पेन का सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज, कॉस्ट है 80, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 20. अभी मैंने दो पेन सेल किए 120 के हिसाब से, कितना हो गया 240, तो कॉस्ट कितनी होगी, 80 इज फॉर 100, तो 240 के लिए कितना, लाइक दिस. क्या होगी कॉस्ट, 100 रुपए का एक पेन है, उसका कॉस्ट कितना है 80 रुपीज, प्रॉफिट कितना हुआ 20. मैंने दो पेन कितने में सेल कर दिए, 120, मतलब 240 में. अब मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो इसके लिए कॉस्ट निकालना पड़ेगा 80 और 100, तो 240 के लिए कितना, आंसर इज रॉन्ग. 240 includes price variance which is favorable by 40 rupees. तो cost कितने रुपए लगेगा, only 200 पे. ये 598 का सेल है, उसमें price variance कितना है 4000, इसका मतलब ये सेल कितने में होना चाहिए था 596. cost कितने पे लगेगा, 598 है, 4000, 594 पे. समझे या नहीं, नहीं समझे. सेल्स ए, सेल्स कितना सेल है, सेल्स एक्चुअल इज 598, दिस इंक्लूड्स प्राइस वेरियंस इज 4000 फेवरेबल, तो नॉर्मल इसका वैल्यू कितना आएगा 594. अब निकालेंगे 5 लाख इज द कॉस्ट फॉर सेल ऑफ रुपीज 6 lakhs. How much is for this? This is the most important thing in this question. भाई आपका 100 रुपए का पेन है, अगर आप 120 में सेल करो कॉस्ट तो 100 पे ही लगेगा ना, और टेक वाइसा वर्सा, अगर आप 80 में सेल कर रहे हो तो भी कॉस्ट किस पे लगेगा, 100 पे. सही है, सुनो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एकदम क्लियर है, निकालो जरा. This is 4,95 minus 598 is 1,03,000. 1,03,000 and this is 3,000 favorable. Can you do it for B? B में देखो add हो जाएगा because adverse variance है. समझो जरा, ध्यान से करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हा, बी क्या निकाल सकते हो, सेल समझ में आना ना फ्रेंड्स, कितने में, मतलब 4000 का तो ओवर एंड अबव कॉस्ट हो गया ना, उसका ओवर एंड अबव द नॉर्मल सेल्स हो गया, उस पर कॉस्ट लगेगा नहीं. एक 100 रुपए का पेन 120 में सेल किया, 20 रुपया फेवरेबल है, 20 रुपए पर कॉस्ट लगेगा नहीं. ठीक है, निकालो.
बी एक्चुअल सेल्स 470, प्राइस वेरियंस 6000 एडवर्स, इसका मतलब कॉस्ट लगेगा 476 पर। कितना कॉस्ट है? 375। बजटेड सेल्स क्या था फ्रेंड्स? 450। बोलो समझे या नहीं फ्रेंड्स? राइट, से नाइस। 375, 450 इंटू 476, 396667, 396667, 470 लेस 396667, 73333, 75 माइनस 73333, 1667 इज एडवर्स। बोलो यस और नो फ्रेंड्स, राइट है? सी का कैसे निकालेंगे? सी का व्हाट इज द एक्चुअल सेल्स? एक्चुअल सेल्स ऑफ सी इज 490। यही एग्जाम्पल ध्यान रखने का। 100 रुपए का पेन है, 80 रुपीज कॉस्ट है, वही पेन मैंने अगर 120 में सेल किया है तो मुझे कॉस्ट कितने पे लगेगा? ओनली 100 पे। एक्चुअल सेल्स डिवाइड इन टू सेल्स प्राइस वेरियंस कितना है? 5000 एडवर्स, इसका मतलब कॉस्ट लगेगा 495 पर। कॉस्ट कितने पे लगेगा? 495। कितना हो जाएगा? 4 लैक्स। 4 लैक्स इज फॉर 4 लैक, 80 इज द बजटेड सेल्स, 4 लैक, 4,12,500। राइट है? समझ में आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक अगर आपने इंडस्ट्री में काम नहीं किया है आपको समझेगा ही नहीं क्या बोलना चाह रहा है। 100 रुपए का पेन था, वो 120 में सेल हुआ तो कॉस्ट किस पे लगेगा? 100 रुपए पे, राइट? डी व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्स? एक्चुअल सेल्स इक्वल टू 516, दिस इंक्लूड्स प्राइस वेरियंस विच इज 2000 एडवर्स, इसका मतलब 518। व्हाट इज द बजटेड कॉस्ट? बजटेड कॉस्ट इज रुपीज 425। कितने के लिए है वो? 5,10,000, 4,31,667, 516 less 431,667 is 84,333, 84,333 and 77,500. 80,000, 77,500, 2,500 adverse, 85 less 84 is 667 adverse. One, eight, three, four adverse.
4000 फेवरेबल, 3000 फेवरेबल, 1000 एडवर्स, 6000 लेस 1667 इज 4333 फेवरेबल, राइट। 2500, 2500, 2500 फेवरेबल, 2000, 2667, 1333 फेवरेबल, राइट। सेवन वन सिक्स सिक्स फेवरेबल, 8000 लेस 7166, इट मीन्स 834। ये और ये टैली होना चाहिए ना इसके साथ, सब वॉल्यूम ऑन दिस। बोलो, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ऑलराइट है, अब आ जाइए आप ना। कभी कभी इंडियन रिकंसिलेशन अपने को बनाना रहता है, राइट। इंडिया में क्या रहता है, दे डोंट मेंटेन एनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स। सारी इंडस्ट्री डूब रही है, उनका एक ही कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट इजे दे डोंट कीप देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंडिया में आपको क्या दे देगा, जस्ट लाइक ए पीएनएल अकाउंट, एंड पीएनएल अकाउंट से बोलेगा कि अब आप रिकंसिलेशन बनाओ, आधा इंफॉर्मेशन देगा आधा नहीं देगा, राइट। तो कैसे करेंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इसी पे पूरा एनालाइज करता है, तो वो आपको एकदम प्रॉपर आना चाहिए। लास्ट 20 एग्जाम में देखेंगे तो 3-4 बार पूछा हुआ है, एंड 12-18 मार्क्स है। बहुत सिंपल लेकिन लॉजिकल है, तो देखो जरा ना फ्रेंड्स, समझ में आएगा आपको ना। जस्ट टू रेफर क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 12.91, क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 12.91, क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 12.91। देखो जरा क्या बोलना चाह रहे हैं ना फ्रेंड्स, रीड द क्वेश्चन। द परफॉर्मेंस डाटा फॉर द लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मिला फ्रेंड्स? द परफॉर्मेंस डाटा फॉर लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन बिलो। आपके पास सेल्स है, मटेरियल कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड है, लेबर फिक्स्ड है, फिक्स्ड ओवरहेड है। एसेस द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन प्रॉफिट ड्यूरिंग द करेंट ईयर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एवरेज प्राइस राइज इन मटेरियल 6%, एवरेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ एक्सपेंस 8%, एवरेज इंक्रीज इन वेज रेट 10%, एवरेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस 5.5। तो पहले इसका एक सेट फॉर्मेट है, वो आप बना लो, राइट। इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ वेरियंस, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ वेरियंस। Particulars last year, current year, total increase decrease due to price, due to volume, and उसके बाद भी tally नहीं होगा तो due to others। Particulars
लास्ट ईयर, करेंट ईयर, पर्टिकुलर्स लास्ट ईयर, करेंट ईयर, टोटल इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू वॉल्यूम एंड ड्यू टू अदर्स। पर्टिकुलर्स लास्ट ईयर, करेंट ईयर, पर्टिकुलर्स लास्ट ईयर, करेंट ईयर, टोटल इंक्रीज डिक्रीज ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू वॉल्यूम एंड ड्यू टू अदर्स। से या सुनो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ले लीजिए सेल्स। व्हाट योर सेल्स इज 80 लैक्स, ऑल फिगर्स इन रुपीस, राइट। 80 लैक्स का सेल्स आपका क्या हो गया, 92 लैक 84, इट मींस कितने से बढ़ गया, 12 लैक 84, राइट है। देन मटेरियल कॉस्ट, क्या मटेरियल कॉस्ट था, 50 लैक्स, बराबर। क्या मटेरियल कॉस्ट हो गया, 61 48, इट मींस 11 लैक 48। देन वेरिएबल ओवरहेड, कितना वेरिएबल ओवरहेड था, 5 लैक, हो गया 5 लैक 40, कितने से बढ़ गया बोलो, 40,000। देन लेबर विच इज फिक्स्ड, कितना था, 10 लैक्स, कितना हो गया, 11 लैक 50, कितने से बढ़ गया, 1 लैक 50। देन फिक्स्ड ओवरहेड, कितना था, 8 लैक्स, हो गया कितना, 8 लैक 50, कितने से बढ़ गया, 50,000 ऑलराइट। क्या प्रॉफिट आ रहा है बोलो, 7 लैक्स। चेक करो, 80 माइनस 50 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 8, 7, और एक्चुअल में 5 लैक 96। लॉस आ गया। अब आपको बताने हैं रीजन्स, राइट। एक एक करके आप कैसे रीजन्स बताओगे वो जरा देख लो, राइट। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, राइट। अपने को क्वांटिटेटिव डिटेल्स नहीं है, लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है, करंट ईयर का इंफॉर्मेशन है, एंड टोटल इंक्रीज और डिक्रीज है, राइट है। मींस आपको है ना, तो पहला आ जाइए आप नोट नंबर 1। दिस इज ड्यू टू सेल्स, आपका क्या हुआ, ड्यू टू सेल्स, फर्स्ट सेल्स प्राइस वेरियंस, ड्यू टू सेल्स, ड्यू टू सेल्स में सबसे पहले क्या रहेगा आपका, सेल्स बोलो प्राइस वेरियंस, राइट। अगर आपका 100 रुपीज का प्राइस था तो कितने से बढ़ गया लास्ट ईयर टू करंट ईयर, 5.5%, 105.5 हो गया,
100 का सेल था, कितने से इंक्रीज हुआ? 5.5, कितना हो गया आपका? 105.5। अब आपका एक्चुअल सेल्स हुआ है 92,84,000। सो 92,84,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 105.5, 92,84,000 डिवाइडेड बाई 105.5 इंटू 100, इसका मतलब इसका वैल्यू था सेल्स का 88 लैक्स। 5.5% से बड़ा, इट मीन्स 4,84,000, तो जाके ये सेल कितना हो गया? दिस तो ड्यू टू प्राइस ये कितने से बढ़ गया? 4,84,000। बोलो या सुनो है, 88 में होना चाहिए था ये सेल्स, से या सुनो 5.5% बढ़ा तो एक्चुअल सेल्स क्या हो गया? 92,84,000, राइट। अब आ जाओ आप ड्यू टू वॉल्यूम, ड्यू टू वॉल्यूम, इट मींस 88 में हुआ ये सेल्स, होना कितने में चाहिए था? 80 में। 88 माइनस 80, आपका सेल कितने से बढ़ जाएगा? 8 लैक्स। इट मींस एक आपका बढ़ा 4,84,000 ड्यू टू प्राइस, 8 लैक्स आपका बढ़ा ड्यू टू वॉल्यूम, और ये मिलके टैली हो गया 12,84,000। ये समझा कि नहीं समझा फ्रेंड्स? एक प्राइस की वजह से बढ़ा आपका, दूसरा वॉल्यूम, मतलब ये सेल कितने में होना चाहिए था? 80 में, हुआ कितने में? 88 में, तो उतना वॉल्यूम बढ़ गया और बाकी का प्राइस बढ़ गया, राइट। इसका मतलब फॉर दिस देर इज नो कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, 4,84,000 के लिए आपको कुछ भी कॉस्ट लगेगा नहीं, से यस नो परफेक्टली क्लियर हो नॉट, राइट है? आप देखो आगे, नेक्स्ट चलो आप। फर्स्ट आ जाइए आप ना फ्रेंड्स, मेटेरियल, ड्यू टू मेटेरियल, ड्यू टू मेटेरियल्स, राइट। फर्स्ट ड्यू टू प्राइस, मटेरियल का प्राइस क्या था? 100, कितने से बढ़ गया प्राइस मटेरियल का? 6%, इट मींस क्या हो गया? 61,48,000 इंटू 100 बाई 106। इस मटेरियल का ओरिजिनल वैल्यू क्या था? इस 58 लैक्स, 61,48 लेस 58, कितने से बढ़ गया? 3,48,000 से। समझे या नहीं समझे, राइट? ये ड्यू टू प्राइस कितना हम लोगों ने पे किया है? 61,48,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 106, बिकॉज द प्राइस इंक्रीजिंग बाई 6%, दिस इज द इंक्रीज्ड प्राइस, राइट। अब देखो, अगर आपको कुछ नहीं है तो फिर आप वॉल्यूम में डाल सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छे कंसल्टेंट हो, अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो देन यू गो इन डिटेल, राइट। कैसे? आप मैनेजमेंट को क्या बोलोगे? देखो सर, लास्ट टाइम सेल कितना था? 80 लैक्स, है ना, तो उसमें मटेरियल कंज्यूम कितना था? 50 लैक्स, तो इस बार सेल कितने से बढ़ाए? 8 लैक्स से। 484 के लिए नो कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, समझे? 100 वाला पेन कितने में? 120 में सेल हुआ, तो 20 रुपए पे कुछ भी कॉस्ट लगेगा नहीं, 20 रुपए पे कुछ भी कॉस्ट लगेगा नहीं, कॉस्ट किस पे लगेगा? ओनली 8 लैक्स, बराबर है? तो ड्यू टू वॉल्यूम, ड्यू टू वॉल्यूम, 50 लाख का मटेरियल यूज किया, व्हेन द सेल इज
80 लाख, अगर सेल्स 8 लाख से बढ़ रहा है तो मेरा कॉस्ट कितने से बढ़ना चाहिए? 5 लाख। भाई सेल्स इंक्रीज हुआ तो मटेरियल का कॉस्ट भी इंक्रीज होगा ना, अरे बोलो यस और नो। तो मिलके कितना हो गया? 3 + 5 = 848, लेकिन ये कितने से बढ़ रहा है? वी कांट गिव द रीजन, पता नहीं क्या, या तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, कुछ प्रॉब्लम, बिकॉज वी डोंट हैव द क्वांटिटेटिव डिटेल्स। हमारे पास जब क्वांटिटेटिव डिटेल्स नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यू टू अदर्स कितना है? 1148, 348, 500 less 1148 is 3 lakhs. It means 3,48,000. It means 5 lakhs, and बाकी का due to others. Clear हुआ कि नहीं friends? बोलो। एक price का वो तो straight है। जब मेरा मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल सेल्स, अगर एक्चुअल सेल्स बढ़ेगा तो सेम प्रोपोर्शन में मेरा कॉस्ट भी बढ़ेगा, इन सेम प्रोपोर्शन मेरा कॉस्ट भी बढ़ेगा, इन सेम प्रोपोर्शन। बोलो यस और नो फ्रेंड्स, राइट है? बराबर है? अब आ जाओ, ड्यू टू वेरिएबल ओवरहेड, राइट? ड्यू टू प्राइस 100, कितने से बड़ा वेरिएबल ओवरहेड? कितने से बड़ा है? एवरेज प्राइस इंक्रीज रेट ऑफ एक्सपेंस बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड 8,108, दिस इज 5,40,000, इट मीन्स 5,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 108, निकालो जरा, 5,40,000 × 100 / 108 = 5 lakhs. 5,40,000 less 5 lakhs = 40,000. Due to price 40,000. Due to volume, due to price आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स? बोलो, due to price 40,000, due to volume variable overhead, it means 5 lakh का था when the sale is 80 lakhs, इस बार मेरा सेल कितने से बढ़ा? 8 lakhs, कितने से बढ़ जाएगा? 50,000. And due to others 50,000 से बढ़ना चाहिए, ये बोल रहा है हमारा बढ़ रहा है ओनली 40,000, तो 50 का कहीं सेविंग हो गया फिर अपने को, तभी तो टैली होगा ना 40, और उसका हम लोग नहीं दे सकते रिप्लाई बिकॉज वी डोंट हैव द क्वांटिटेटिव डिटेल्स, हमारे पास क्वांटिटेटिव डिटेल्स नहीं है,
इसके लिए हम इसका नहीं दे सकते करके ना। ड्यू टू प्राइस 40,000 लॉस, ड्यू टू वॉल्यूम 50,000 लॉस एंड ड्यू टू अदर्स 50,000 फेवरेबल, तब जाके टैली होगा। बोलो यस और नो, राइट? समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर है? बोलो, परफेक्टली क्लियर, नो कंफ्यूजन। अब आ जाइए आप अगेन, ड्यू टू लेबर में फर्स्ट, ड्यू टू प्राइस लेबर 100, प्राइस क्या था 8108, 11 लैख 50 इंटू 100 बाय 108, 11 लैख 50 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 100, 10 लैख 64 815। तो 10 लैख 64 815 का हमने पे किया है 1150 लेस 1150, 85 185। नो नो, 10% इंक्रीज है ना वेजेज में, तो 8% नहीं है, वेजेज इंक्रीज बाय 10% है ना। ड्यू टू प्राइस कितना वैल्यू था 100, बढ़ गया 10, हो गया 110, 11 लैख 50, 11 लैख 50 इंटू 100 बाय 110, 11 लैख 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110, 10 लैख 45 455, उसके सामने 1150, 104545। ड्यू टू प्राइस 104545, ड्यू टू प्राइस कितने से बढ़ गया 104545, सही है? सुनो फ्रेंड्स, नाउ ड्यू टू वॉल्यूम कुछ भी नहीं बढ़ेगा बिकॉज फिक्स्ड है, लेबर क्या है फिक्स्ड, तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा। बाकी का ड्यू टू अदर्स कितना हो जाएगा 1 लैख 50 माइनस 104545 इज 45455, 104545 ड्यू टू वॉल्यूम निल 4455।
बोलो। ड्यू टू फिक्स्ड ओवरहेड, फर्स्ट ड्यू टू प्राइस 100, कितने से प्राइस बढ़ा फिक्स्ड ओवरहेड का? फिक्स्ड ओवरहेड प्राइस इंक्रीजिंग बाई 8%, 108, 8 लाख 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 108, 8 लाख 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 108 7870370, 7870370, उसके सामने हमने पे किया है 8 लाख 50, 62,963. देन ड्यू टू वॉल्यूम 0, बाकी का ड्यू टू अदर्स 50,012,963, 62,963, 12,963 पॉजिटिव। बोलो। प्राइस आपका बढ़ गया 62,963 से, वॉल्यूम की वजह से बढ़ेगा नहीं, और टोटल कितने से इंक्रीज हो रहा है? ओनली 50, तो कहीं ना कुछ सेविंग हुआ होगा, राइट? देखो जरा टोटल करके क्या आता है, 484 माइनस 348 माइनस 40 माइनस 104 545 माइनस 62,963 71,508, 800, 550 is 2,50,000 positive, 3 lakhs, 12,963 3,45,455, 282,492 प्लस 1 लाख, बराबर। अब इसी में एक कंसेप्ट बनता है कि सपोज अगर आपका सेल्स डिक्रीज हो गया तो क्या करोगे? यहां पे तो क्या था, इंक्रीज था, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया फ्रेंड्स? बोलो। एक रीजन आपका रहेगा ड्यू टू प्राइस, वो तो स्ट्रेट मिल जाएगा, फिर आपका वॉल्यूम से रोना चाहिए, है ना, और उसके बाद भी टैली नहीं हो रहा तो यू पुट इन अदर्स, राइट। क्वेश्चन 37 जरा देखो, पेज 12.102, क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन, पेज नंबर ट्वेल्व पॉइंट वन जीरो टू,
आप ऐसे करिए कि जैसे कि आप एग्जाम्स में बैठ के कर रहे, राइट? सेल्स प्राइस का कितना डिफरेंस है? प्राइस इंक्रीजिंग बाई 20%। मटेरियल के लिए क्या बोल रहा है? मटेरियल के लिए क्या बोल रहा है? ओके, एंड लेबर एंड ओवरहेड 10%। चलो पहले ये फॉर्मेट बना सकते हैं, ट्राई करेंगे फ्रेंड्स, बोलो। सेल्स 1 करोड़ 20 लैक्स, 1 करोड़ 29 लैक्स 60,000। लास्ट ईयर मीन्स 31st 3 2003, 31st 3 2004। पहले ये बना लो अपना फ्रेंड्स, मटेरियल्स 80 91 लैक 10, वेरिएबल ओवरहेड 20 24, फिक्स्ड ओवरहेड 15 1850। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर 5 का प्रॉफिट था, इस साल 4 का लॉस है, राइट? सेल्स बढ़ गया कितने से? 960, ये बढ़ गया 11 लैक 10, ये बढ़ गया 4 लैक, ये बढ़ गया 3 लैक 50।
बोलो। चलो, पहला ड्यू टू सेल्स, फर्स्ट ड्यू टू प्राइस 100 का था, सेल्स प्राइस कितने से बढ़ रहा है? 20%, कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 29 लाख 60 इंटू 100 बाय 120। वन करोड़ 8 लाख, वन करोड़ 29 लाख 60, जबकि ओरिजिनल वैल्यू था 1 करोड़ 8 लाख। 20% बढ़ने की वजह से कितना बढ़ गया आपका? 21 लाख 60 थाउजेंड। समझे आने? आपका ये सेल कितने में होना चाहिए था? 1 करोड़ 8 लाख में। हुआ कितना? 1 करोड़ 29 लाख 60 थाउजेंड। कितना हो गया? 21 60। नाउ ड्यू टू वॉल्यूम, ड्यू टू वॉल्यूम हुआ है सेल्स 1 करोड़ 8 लाख का, होना चाहिए था मिनिमम 1 करोड़ 20 लाख। बोलो कितने से डिक्रीज हो गया? 12 लाख। इसका मतलब टोटल कितना? 960। सो 2160 एंड दिस इज 12 लाख डिक्रीज एंड अदर्स। सही है सोनो फ्रेंड्स, राइट। इसका मतलब आपका सेल्स यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज। सेल्स आपका क्या हो रहा है? बोलो, डिक्रीज। समझिए नहीं फ्रेंड्स, राइट। अब आ जाओ, मेटेरियल का निकाल सकते हो? ट्राई करोगे? देखो जरा मेटेरियल का ट्राई करो खुद से। ड्यू टू मटेरियल्स, ड्यू टू मटेरियल्स फर्स्ट, ड्यू टू प्राइस 100। कितना प्राइस है मटेरियल का? 15%, 15 115, 91 लाख 10 थाउजेंड ना फ्रेंड्स। सो 91 लाख 10 इज 100 डिवाइडेड बाय 115। सेवन नाइन
7921739 एक्चुअल 9110 11882 61 11882 61 11882 61 राइट, दिस इज ड्यू टू प्राइस. अब आपका सेल्स अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर आपका सेल्स डिक्रीज हो रहा है तो आप मटेरियल भी सेव कर सकते हो, राइट. इट मींस ड्यू टू वॉल्यूम कितना है, 80 लैक्स का मटेरियल डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लैक्स, तो 12 लैक्स के लिए 8 लैक्स बराबर. हमारा सेल्स कम हुआ तो उतना मटेरियल का कंजम्पशन सेव हो जाएगा ना हमारा, सही है. सुनो, 1 करोड़ 20 पे कितना मटेरियल लगता था, तो 12x पे कितना, बिकॉज प्राइस में इंक्रीज जो उससे कुछ लेना देना नहीं, फिर भी टैली नहीं होता, तो ड्यू टू बोलो अदर्स. समझे या नहीं फ्रेंड्स. टोटल कितना है अपना, 11,10,000 11882 61 8 lakhs positive 7217 39 बोलो. समझे नहीं फ्रेंड्स, राइट. बोलो यस और नो फ्रेंड्स, राइट है. समझ में आया. अब आ जाइए आप ड्यू टू वेरिएबल ओवरहेड फर्स्ट. ड्यू टू प्राइस 100, कितने से प्राइस बढ़ा है, 10%. कितना हो गया, 110. 110 इज 24 lakhs. सो 24 lakhs इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110. 24 lakhs इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110. 2181818 2181818
लेस 24 लैक्स इज 218182, राइट है? देन ड्यू टू वॉल्यूम कितने का था वेरिएबल ओवरहेड 20 लैक्स व्हेन द सेल इज 1 करोड़ 20 लैक्स नाउ द सेल इज 12 लैक्स इट मीन्स 2 लैक्स फेवरेबल सेव हो जाएगा ना कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड 20 लैक्स व्हेन द सेल वाज 1 करोड़ 20 लैक्स 2 लैक्स व्हेन द सेल वाज 1 करोड़ 20 लैक्स राइट तो अगर मेरा सेल्स 12 लैक्स से डिक्रीज होगा तो उतना सेव हो जाएगा एंड ड्यू टू अदर्स इट मीन्स 218182 लेस 2 लैक्स अपने को चाहिए कितना 4 लाख नेगेटिव लेस 4 लैक्स 381818 218182 2 लैक्स 381818 बोलो बोलो यस और नो फ्रेंड्स राइट ड्यू टू फिक्स्ड ओवरहेड ड्यू टू प्राइस वेरियंस 100 था कितने से बड़ा प्राइस 10% क्या हो गया 110 18 लाख 50 100 डिवाइडेड बाय 110 18 lakh 50 is 168182 adverse 168182 बोलो ड्यू टू वॉल्यूम निल बिकॉज दिस इज फिक्स्ड बाकी का ड्यू टू अदर्स टेली नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा अदर्स में डालना पड़ेगा बिकॉज लॉस है 350 इज 181818
168, 182, nil, 181, 818. 2 lakhs negative. बोलो या सुनो, परफेक्टली क्लियर? अब इसी में क्या होगा, थोड़ा सा क्वांटिटी दे देगा आपको मटेरियल लेबर का, तो फिर कैसे करेंगे वो ब्रेक के बाद करते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया ना फ्रेंड्स? प्रॉपर पहले क्या करने का, यू टेक लास्ट ईयर का, फिर यू टेक करंट ईयर का, देन यू टेक टोटल इंक्रीज और डिक्रीज, देन ड्यू टू प्राइस हो जाएगा, ड्यू टू वॉल्यूम हो जाएगा, एंड अगर टैली नहीं होता तो यू पुट ड्यू टू अदर्स. थैंक यू. ओके, एक डिसीजन मेकिंग में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो जरा देखो ना. CS3 पेज नंबर 6.42, CS3 पेज नंबर 6.42, देखो जरा. इसका फर्स्ट पार्ट अपना स्टैंडर्ड से रिलेटेड है और सेकंड डिसीजन मेकिंग से, तो बाद में करा देंगे, पहले फर्स्ट पार्ट आप जरा देखो. राइट, देखो जरा, समझो क्या दे रखा है. इसमें आधे डिटेल्स हैं अपने पास, आधे नहीं है. आपको खाली ओनली फर्स्ट पार्ट करना है. राइट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट किसका है, रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग. वहाँ पे लिख दो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है सेकेंड एंड थर्ड. द वर्किंग रिजल्ट आपको दे रखा है. राइट, सेम फॉर्मेट बना सकते हैं अपन 2005 and 2006 के लिए, बोलो, है ना? तो पहले फॉर्मेट बना लो अपना, स्टेटमेंट showing analysis of variance. Particulars 2005, 2006 total increase or decrease due to price due to volume and due to others. Sales 600, 770, 170. Direct material
डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। प्रॉफिट एंड लॉस, थ्री हंड्रेड, 180, 80। थ्री ट्वेंटी फोर, टू जीरो सिक्स, 150। फोर्टी, नाइन्टी, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी सिक्स, सेवेंटी, फिफ्टी। सही सुनो, राइट। फर्स्ट आपका आ जाएगा नोट नंबर वन, ड्यू टू सेल्स। फर्स्ट ड्यू टू प्राइस, हंड्रेड कितने से प्राइस बढ़ा है, 10%, 110, 770, 770, 100 डिवाइडेड बाय 110, 700, 770, 700 कितने से बढ़ गया, 70 से। एंड ड्यू टू वॉल्यूम, 700 लेस 600, 100 एंड 170, 70 वॉल्यूम 100 एंड ड्यू टू अदर्स 0। बोलो यस और नो फ्रेंड्स, राइट। राइट है। अब देखो यहां पे थोड़े से अपने को क्वांटिटेटिव डिटेल्स दे रखे हैं। कितने का नॉर्मल सेल्स हुआ तेरा और लास्ट टाइम सेल कितना था, तो कितना आ जाएगा, राइट। देन अब आपका जो नॉर्मल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स कितना हुआ है, 770, लेकिन दिस इंक्लूड 70 प्राइस वेरियंस, तो कॉस्ट कितने पे लगेगा, 700 पे। समझे या नहीं। फर्स्ट मेटेरियल वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल सेल्स। व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्स, 770, दिस इंक्लूड्स प्राइस वेरियंस 70, तो नॉर्मल सेल्स आपका क्या आएगा, बोलो 700, राइट। स्टैंडर्ड एक्चुअल टन्स रेट अमाउंट
टन्स, रेट, अमाउंट। फाइव टन्स फॉर द सेल ऑफ 600, अपना एक्चुअल सेल्स कितना है 700। फाइव टन्स मटेरियल दे रखा ना, बोलो 300 मटेरियल फॉर 600, व्हाट अबाउट 700? एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड 5.4, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 324। सो 324 डिवाइडेड बाई 5.4 इज 60। 300 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 700 इज 350। 5 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 700 इज 5.83। 350 डिवाइडेड बाई 5.83 इज 60। बोलो, समझे नहीं? राइट, फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस कितना कॉस्ट था 350, कितना कॉस्ट आया 324। 26 फेवरेबल डिवाइड इन टू मटेरियल यूसेज वेरियंस एंड मटेरियल रेट वेरियंस। यूसेज 5.83, 5.4 into 60, 26 favorable, rate 60, 60 into 5.4, 0. प्राइस में जीरो है, ये 26 फेवरेबल है, ये 24 का लॉस है, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 50, बिकॉज वी डोंट हैव द फुल क्वांटिटी डिटेल्स, तो हम लोग नहीं ले सकते करके। समझे या नहीं समझे? राइट, एक्चुअल सेल्स कितने का हुआ है 770, राइट, एंड दिस ऑल फिगर्स इन लैक्स। रीजन समझ में आया फ्रेंड्स? बोलो, ठीक है। अब लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, दिस इज योर लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स ऑफ 700, स्टैंडर्ड एक्चुअल, आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट। सेवेंटी फाइव लैक आर्स व्हेन द सेल इज 600, तो 700 होगा तो कितना? सही है, सुनो फ्रेंड्स, ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल, राइट। 180 इज फॉर 600, तो 700 के लिए कितना? 210, राइट।
87.5 क्या रेट आएगा, 210 डिवाइडेड बाई 87.5 24 ना, ये 2.4 राइट। एक्चुअल 206 डिवाइडेड बाई 206 डिवाइडेड बाई 80 इज 2.575 ठीक है। लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, क्या कॉस्ट सोचा था 210, क्या कॉस्ट आ रहा है 206, 4 फेवरेबल। लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरियंस, 87.5 माइनस 80 इंटू 2.4 लेस 2.575 इंटू 87.5 लेस 80 इंटू 2.4 18 फेवरेबल, 2.4 लेस 2.575 इंटू 80 इज 14 एडवर्स, समझे ने राइट है। ड्यू टू वॉल्यूम 18 फेवरेबल, ड्यू टू रेट 14 एडवर्स, 4 फेवरेबल आ रहा है ये बोल रहे हैं, तो इसका मतलब 30 क्या आ जाएगा एडवर्स, टैली होना चाहिए ना 18 एंड 4, तो 4 फेवरेबल हम लोग बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं नहीं 26 का लॉस है। समझ में आ रहा है बोलो, परफेक्टली क्लियर। अब देखो फिक्स्ड ओवरहेड में ड्यू टू प्राइस तो कुछ डिटेल्स नहीं है अपने पास, ड्यू टू वॉल्यूम भी नहीं होता, तो ड्यू टू अदर्स ठीक है। 70 लेस 14 इज 56, 126 18 144 30 70 150 लॉस, 56 144 लेस 150 इज 50 फेवरेबल, सही है सुनो फ्रेंड्स राइट, समझे या नहीं समझे। अच्छा अब आप लिखिए नेक्स्ट ना, एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को कैसे ट्रीट करेंगे राइट, वो जरा देख लो ना फ्रेंड्स। जस्ट रिफर 59 पेज नंबर 12.114, क्वेश्चन नंबर 59 पेज नंबर 12.114 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 59 पेज नंबर 12.114
ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट शीट ऑन 8,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर मंथ. इट मीन्स उसका बजटेड प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 8,000, राइट. क्या दे रखा, डायरेक्ट मटेरियल 1.5 kg एट द रेट ऑफ 24, डायरेक्ट लेबर 3 hours एट द रेट ऑफ 4, फैक्ट्री ओवरहेड, दिस इज इंक्लूड्स बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड, लिख दो जरा ब्रैकेट में, वेरिएबल एंड फिक्स्ड. टोटल कॉस्ट, द फ्लेक्सिबल बजट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड इज एज अंडर. आउटपुट जो 3220 ना उसको कट कर दो जरा अपना, वो प्रिंटिंग एरर है, 3220 उसके नीचे 816 है ना उसको कट कर दो, 3220 और उसके नीचे 816 जो है उसको कट कर दो आप. द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2002 इज गिवन बिलो. डायरेक्ट मटेरियल परचेज कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एक्चुअल आउटपुट. अब जरा समझो ना, एक्चुअल आउटपुट एक तो आपको क्या दे रखा है, फिनिश गुड्स, और दूसरा आपको क्या दे रखा है, डब्ल्यू आई पी, राइट. तो पहला निकालो आप, नोट नंबर 1, इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दिस इज materials, labor and overhead, finished goods 7620, right. इतना तो finished हो गया, right. Plus अपने पास closing WIP है, add closing stock of WIP, कितना closing WIP है, 200 units, which is 50% complete in case of material and 40% complete in case of labor and overhead is 80, less जो पहले से complete हो गया है, opening WIP. What is your opening WIP? 300 units, which is 100% complete last time, 300 and 300 which is 60% complete. आपका actual production means equivalent to finished goods, equivalent production आपका हो जाएगा 7620 plus 100 minus 300 is 7420. 7620 plus 80 minus 180 is 7520. समझे या नहीं समझे, देखो आपका टोटल फिनिश गुड्स कितना बना है, 7620, बराबर है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका टोटल फिनिश गुड्स कितना बना है, अब उसमें से ये तो आपका लास्ट टाइम ही कंप्लीट हो गया था, 300 into 100%, 300 तो आपका लास्ट टाइम, इस बार कितना हुआ, 7320 प्लस देर इज ए क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 100, आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, 100. समझे या नहीं समझे, इतना कॉपी कर लो जरा अपना.
एक्चुअल प्रोडक्शन आपका क्या होगा, 7420। बराबर समझ में आ रहा है, 7620 हुआ है, उसमें से 300 आप निकाल दो, आपके पास क्या बचेगा, 7320, और 100 आपका क्लोजिंग लेवल है ना। आप बना सकते हैं चार्ट अपन, स्टेप नंबर वन फर्स्ट मटेरियल वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 7420। स्टैंडर्ड एक्चुअल केजी रेट अमाउंट, केजी रेट अमाउंट। सेकंड लेबर वेरियंस आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट। वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट। फिक्स्ड ओवरहेड बजट एक्चुअल, यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, यूनिट्स एक्सपेंस। बोलो समझा। व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन 7420, एक यूनिट को बनाने में 1.5, 7420 इंटू 1.5 11130 इंटू व्हाट इज द रेट 24,267,120। एक्चुअल प्रोडक्शन 7520, 7520 इंटू वन यूनिट इज रिक्वायर 3 आवर्स, 7520 इंटू 3 आवर्स 22,560। व्हाट इज द रेट पर आवर, 4 इज 90,240, 7520 इंटू 3 22,560 इंटू व्हाट इज द रेट, वो अपने को नहीं दे रखा है, बजटेड यूनिट्स 8,000 लेकिन रेट कंबाइंड है दोनों का। बोलो मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, समझे या नहीं, राइट। अब आप आ जाओ एक्चुअल पे, राइट कितना डायरेक्ट मेटेरियल परचेज एंड कंज्यूम्ड 11,224,266,570, से या सुनो फ्रेंड्स, 266,570 डिवाइडेड बाई 11,224
is 23.75. Then direct labor hours 22,400 and 96,320 divided by 22,400 is 4.3. Factory overhead 96,440 out of which 2 rupees 60 paise is a variable. 2.6 into 22,400. Samjhe? 22,400 into 2.6. 58,240. Total overhead is 96,440. 96,440 less 58,240. 38,200. Actual production is 7,520. Bolo. यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, राइट? देन नोट नंबर टू, सेमी वेरिएबल ओवरहेड. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू एक्स एंड फिक्स कॉस्ट इक्वल टू वाई, राइट? कैसे ले सकते हैं? 7500 x plus y equal to 92,400, right? And then 9000 x plus y equal to 103,200. Y get cancelled. 1500 x equal to 103,200 less 92,400 is 10,800. Then x equal to 7.2. 7500 into 7.2 plus y equal to 92,400. Y equal to 38,400. राइट, समझे या नहीं फ्रेंड्स? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू एक्स, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू वाई. बोलो या सुनो, है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टोटल कॉस्ट. कितना हो जाएगा? 38,400. सो 38,400 डिवाइडेड बाई 8,000 इज 4.8, बराबर. ये 7.2 पर यूनिट है, तो 7.2 इंटू 7,520. 7,520 इंटू 7.2 54,144 डिवाइडेड बाई 22,560 इज 2.4. बोलो यस सुनो फ्रेंड्स, राइट? एनालिसिस होमवर्क में कर लेना, ठीक है? हो जाएगा ना? अब लेकिन इससे रिलेटेड एक अच्छा सा मैं आपको कराता हूँ लास्ट ना, सो दैट इज द एंड ऑफ. उसके बाद आपका एक लास्ट पार्ट बचेगा, अकाउंटिंग प्रोसीजर सिंगल प्लान एंड पार्शियल प्लान. ओके, आप मुझे 23 पेज नंबर 12.87, क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 12.87 देखो जरा क्या बोल रहा है.
सेम समय, अच्छा है, देखो आप पकड़ पाते हो क्या, एक पॉइंट मैंने छोड़ा है इसमें, कितना पकड़ पाते हो, देखो जरा ना, 23 पेज नंबर 12.87, ट्वेंटी थ्री पेज नंबर 12.87। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। कैन यू फाइंड आउट फर्स्ट एक्चुअल प्रोडक्शन? एक्चुअल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं अपन। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, राइट, मटेरियल्स लेबर एंड ओवरहेड फिनिश गुड्स। सेवन सिक्स टू जीरो यूनिट्स एड क्लोजिंग स्टॉक। हंड्रेड विच इज 100% फुल्ली सप्लाइड, हंड्रेड विच इज 50% लेस, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 120, 100% 120, 7600 एंड 7610। ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो। बराबर टेबल बना सकते हो, अभी बनाओ जरा। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन।
पूरा फिल करो। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट। मटेरियल 7600, लेबर 7610, वेरिएबल ओवरहेड 7610, करो फिल। मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन, खुद से ट्राई करो, राइट। एक यूनिट को बनाने में 2.4 केजी, इसका रेट 30, लेबर के 6 आवर्स, एक का रेट 4, वेरिएबल ओवरहेड 6 आवर्स, लेकिन रेट नहीं पता है। बजटेड यूनिट 7500, लेकिन रेट नहीं पता है, बराबर। फिक्स्ड ओवरहेड अपने को दे रखा है, राइट। इट मींस 7600 इंटू 2.4, 18240 इंटू 30, 547200, 7610 इंटू 6, 45660 इंटू 4, 182640, 7610 इंटू 6, 45660, बोलो। वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है 18,000, इफ द यूनिट्स आर 6,000, हमारी यूनिट्स हैं 7610, 18,000, 6,000, 7610, 22,830 डिवाइडेड बाई 45660 इज 0.5। फिक्स्ड ओवरहेड अपने को दे रखा है 11,250, 11,250 डिवाइडेड बाई 7500 इज 1.5, बोलो। चेक करो आपका आ रहा है बराबर। वेरिएबल ओवर है 6000 यूनिट्स के लिए 18,000, तो 7610 के लिए कितना, एंड फिक्स ओवरहेड इज डायरेक्टली गिवन। से यस नो फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप एक्चुअल में आ जाओ, राइट। एक्चुअल मटेरियल यूज 19,240 इंटू 31, 596,440, आर्स 46,830, 4.20, 686, 46,830 रेट नहीं मालूम है और 7610 रेट नहीं मालूम है, बिकॉज कंबाइंड दे रखा है ओवरहेड, राइट। ठीक है, अब देखो इसमें जरा ध्यान रखो, आपसे खाली ओनली कॉस्ट वेरियंसेस पूछे गए। तो पहला हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, क्या कॉस्ट था 547,200, क्या आ रहा है 596,440,
596 440 less 547 200 is 49 240 adverse. Then labor cost variance, कितना labor cost है, 182,640 less 196,686, 182,640 less 196,686 is 14,046 adverse. लेकिन अब ये कैसे निकालेंगे, बिकॉज कॉस्ट नहीं है. बोलो, लगाओ दिमाग थोड़ा. ओनली कॉस्ट वेरियंसेस पूछे हैं अपने से, राइट? अपने पास ब्रेकअप नहीं है. एक्चुअल ओवरहेड कितना दे रखा है आपको, 36,340, लेकिन अपने पास ब्रेकअप नहीं है. लगाओ दिमाग थोड़ा. अरे पर एक्चुअल ओवरहेड सेम कैसे रहेगा, फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स रहेगा लेकिन एक्चुअल सेम कैसे रहेगा. ब्रेकअप नहीं है ना गौरी. क्या करेंगे देखो, उसने क्या बोला है, ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस समझ लो जरा ना. देखो, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड. फिक्स्ड ओवरहेड अपन कैसे करते थे, उसने ब्रेकअप नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस. फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता था, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल. सो व्हाट इज द रिकवर्ड, 7610 इनटू व्हाट इज द रिकवरी रेट, 0.5. करो जरा क्या आएगा, माइनस एक्चुअल ओवरहेड. पॉइंट फाइव ना रिकवरी रेट, नो नो 1.5 इज द रिकवरी रेट ना. हाँ, कितना होगा, 450. अब वेरिएबल ओवरहेड 415. अब एक्चुअल ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड अपने पास है 22,830. वेरिएबल का है ना 22,830 माइनस एक्चुअल, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, एक्चुअल कितना है अपना, 36,340. और ये कितना है अपना, 34,245. करो 34,245 के सामने एक्चुअल. समझे? ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस. बोलो. राइट है कि नहीं? ठीक है, इतना कॉपी कर लो जरा.
समझे नहीं समझे, राइट? प्रॉपर है ना? फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, वेरिएबल ओवरहेड बजटेड,